हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये बेबी फ्रॉक या टॉप बनाना बता रही हूँ। ये छोटा साइज है, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 4-5 महीने के बच्चे को ये आ जाएगा, पर आप इसको अपने साइज के हिसाब से बड़ा भी बना सकती हैं। जितना बड़ा भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, और अगर आप इतना बड़ा भी बना रही हैं तो भी आप इसकी जो लेंथ है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और लंबा चाहिए तो आप इसको और लंबा भी बना सकती हैं, और अगर आपको छोटा चाहिए है तो आप छोटा भी बुन सकते हैं। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से बुन लीजिए। इसको यहाँ तक कैसे बनाया गया है ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है, बेबी वूलन ड्रेसेस पार्ट 1। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब यहाँ से आगे ये कैसे बनाना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। फ्रॉक बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये यहां तक बुनने के बाद ये 6 सलाई मैंने व्हाइट कलर से सीधी सीधी बुनी है। इधर ये बटन पट्टी के फंदे और ये बटन पट्टी के फंदे, ये उल्टे उल्टे बुने हैं, और बाकी के ये सारे फंदे व्हाइट कलर से सीधे सीधे बुने हैं, सीधी सिलाई पर भी और उल्टी सिलाई पर भी। अब हमें ये फंदे अलग अलग करने हैं। जो स्लीव्स के फंदे हैं वो हम बंद कर देंगे और दोनों पार्ट्स के फंदे अलग अलग करेंगे। आगे के दोनों पार्ट्स के फंदे एक साइड रहेंगे आगे साइड में, और पीछे के पार्ट के अलग रहेंगे। तो देखिए, बटन पट्टी के फंदे मिलाकर आगे के हमारे एक पार्ट के जो फंदे हैं वो 30 हैं। तो ये हमारे बटन पट्टी के फंदे 3, 4, 5। अब देखिए, ये फंदे हम व्हाइट कलर से ही बुनेंगे और सीधे सीधे बुनेंगे जैसे हम बुन रहे हैं अभी, जैसे हमने इधर बुना है वैसे ही। देखिए, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 फंदे व्हाइट और 5 फंदे ये हमारे 30 फंदे हो गए आगे के एक पार्ट के। अब यहां से ये जो 40 फंदे हैं स्लीव्स के वो हम बंद करेंगे। देखिए, 2 फंदे बुनने हैं, इसको इसके ऊपर से गिरा देना है। ये हमारा एक फंदा बंद हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ये 10 फंदे बंद किए हैं वैसे ही हम यहां पर ये 40 फंदे बंद कर लेंगे, यानी 30 फंदे हम और बंद करेंगे। 10 ये हो गए और 30 फंदे हमें और बंद कर लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 40 फंदे मैंने बंद कर लिए। अब ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो यहां से देखिए ये फंदे हम दूसरी सिलाई में कर लेंगे, तो यहां से हम 50 फंदे बुन लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 फंदे जैसे बुने हैं वैसे ही हम 40 फंदे और बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये 30 फंदे हमारे आगे के एक पार्ट के हैं,
इसमें 5 फंदे ये पिंक हैं और 25 फंदे ये व्हाइट हैं। पिंक फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये टोटल 30 फंदे हमारे आगे के एक पार्ट के हो गए। ये एक आस्तीन के फंदे हैं, ये 40 फंदे ये हम बंद कर देंगे। ये हमारी एक स्लीव के फंदे हैं और उसके बाद ये 50 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हैं, ये भी हम सीधे बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारी दूसरी आस्तीन के 40 फंदे यहां पर हैं, इन्हें हमें फिर से बंद कर देना है। दो फंदे सीधे बुने, इसको इसके ऊपर से गिरा दिया, एक फंदा बंद हुआ, ये दूसरा, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब देखिए जैसे अभी ये 7 फंदे बंद किए, ऐसे ही हम 40 फंदे यहां पर बंद कर लेंगे। उसके बाद 25 फंदे ये हम सीधे बुनेंगे, हमारे आगे के दूसरे पार्ट के फंदे हैं 25 ये, और 5 फंदे ये बटन पट्टी के। ये 30 फंदे हम अब बुनेंगे, उसके बाद ये 40 फंदे बंद करने के बाद व्हाइट फंदे हमें सीधे बुनने हैं और पिंक फंदे उल्टे बुनने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन गया। ये हमारे आगे के दोनों पार्ट हैं, ये पीछे का पार्ट है और स्लीव्स के फंदे हमने ये बंद कर दिए हैं दोनों साइड। अब यहां से हमें इसको दो पार्ट में बनाना है, आगे का एक पार्ट और एक पार्ट पीछे का। ये जो अभी आगे के दो पार्ट हैं इनको हम यहां पर ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे बनाना है। पिंक कलर का वूल लगाना है और ये फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए हम यहां पर आ गए हैं, इसको हमें ऐसे पकड़ना है ये दोनों सिलाई। अब पीछे की सिलाई से एक फंदा आगे की सिलाई पर लाएंगे और ये दो का एक बुन लेना है। फिर से पीछे की सिलाई से एक फंदा आगे की सिलाई पर लाएंगे और ये दो का एक बुन लेंगे। फिर वैसे ही करेंगे, ये दो का एक बुना, फिर पीछे की सिलाई से एक फंदा आगे की सिलाई पर लाए और ये दो का एक किया। वूल को हल्का सा टाइट रखना है ऐसे खींचकर, और फिर से देखिए ये लास्ट फंदा, इसको भी आगे लाए और ये दो का एक कर लिया। अब ये हमारा यहाँ पर जुड़ गया। अब ये फंदे भी हम उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए ये सारे फंदे हमारे एक ही सिलाई पर हो गए। 30 फंदे हमारे ये थे, 30 फंदे ये थे। यहाँ पर हमने 5 बार दो का एक किया तो 5 फंदे हमारे यहाँ पर कम हो गए। तो अब हमारे ये फंदे 55 हो गए, 55 फंदे हो गए हमारे ये। यहाँ से हम प्लेन बुनेंगे, प्लेन यानी कि सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। देखिए यहां से लेकर और यहां तक ये मैंने 18 सिलाई पिंक कलर से सीधी उल्टी बुन ली, प्लेन मैंने बुन लिया है 18 रोज यहां से यहां तक।
अब हम यहां पर जाली डालेंगे। तो देखिए, पहले फंदे काउंट कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ये हमारा बीच का फंदा है। अब देखिए, जाली डालने के लिए पहला फंदा सीधा बुनेंगे, वूल अपनी साइड लाए और ये 2 का 1 करेंगे। फिर से वूल अपनी साइड लाए और 2 का 1 करेंगे। फिर से वूल अपनी साइड लाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे। फिर से वूल अपनी साइड, ये 2 का 1 करेंगे। वूल अपनी साइड और ये 2 का 1 किया। वूल अपनी साइड, 2 का 1। वूल अपनी साइड, ये 2 का 1। वूल अपनी साइड, फिर से 2 का 1। वूल अपनी साइड, 2 का 1। वूल अपनी साइड, 2 का 1 बुना। वूल अपनी साइड लाए और ये 2 का 1। वूल अपनी साइड, फिर से 2 का 1। वूल अपनी साइड, ये 2 का 1। अब देखिए, ये फंदा हमारा बीच का है, तो इसके इधर वाला एक फंदा और एक फंदा, ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब फिर से इधर जाली डालनी है, वूल अपनी साइड लाकर 2 का 1 बुना, फिर वूल अपनी साइड, फिर 2 का 1, फिर वूल अपनी साइड, 2 का 1। अब ये सारे फंदे हमें ऐसे ही बुन लेने हैं। वूल अपनी साइड लाकर 2 का 1 बुनते हुए पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमारी पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुन लेनी है। ये देखिए, हमारी जाली पड़ गई। अगर आपको डोरी डालनी हो तो आप जाली डालिए, और अगर आपको डोरी नहीं डालनी है तो आप जाली भी मत डालिए। अब देखिए, ये हमारे 55 फंदे हैं। इन फंदों को हमें कैसे डिवाइड करना है? इन 55 फंदों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 55 फंदे हैं, इनको जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट में आए 27 फंदे और दूसरे पार्ट में भी आए 27 फंदे, और एक फंदा जो हमारा एक्स्ट्रा है वो यहाँ आएगा बीच में। अब देखिए, ये जो 27 फंदे हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट में आएंगे 13 फंदे, फिर दूसरे पार्ट में भी आएंगे 13 फंदे, और यहां पर एक फंदा बीच में आएगा जो एक्स्ट्रा है। अब इसी तरह से ये जो 27 फंदे हैं ये भी ऐसे ही आएंगे, एक पार्ट में 13, फिर 1, फिर 13, और ये फंदा यहां पे आएगा। तो देखिए कैसे बुनना है, 13, 1, 13, 1, 13, 1, 13, ये इस तरह से आया। तो ये जो एक एक फंदा है, एक फंदा ये, एक ये, एक ये, इन 3 फंदों पर हमें दोनों साइड जाली डालनी है। इधर दोनों साइड, यहां पर दोनों साइड, और यहां पर भी दोनों साइड।
तो देखिए पहले हम 13 फंदे सीधे बुनेंगे, 13 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब वूल अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे के दोनों साइड हमें जाली डालनी है। एक जाली ये हुई, वूल अपनी साइड लाए तो ये हमारी दूसरी जाली हो जाएगी। अब हम 13 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए ये दो जाली पड़ गई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 13 फंदे सीधे बुनने हैं, दो एक पहले बुन लिया, दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। वूल अपनी साइड लाए, अब इस फंदे के दोनों साइड जाली डालनी है, इसको सीधा बुना। फिर से वूल अपनी साइड लाए और 13 फंदे सीधे बुनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब फिर से देखिए इस फंदे के दोनों साइड जाली डालेंगे, वूल अपनी साइड लाए, इसको सीधा बुना। फिर से वूल अपनी साइड लाए और ये 13 फंदे सीधे बुन लेंगे। आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। पूरी सिलाई हमें उल्टी बुन लेनी। पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए। अब हमें फिर से इन्हीं तीनों फंदों के दोनों साइड एक एक जाली डालनी है। तो देखिए पहले हम 14 फंदे सीधे बुनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पहले हमने 13 फंदे बुने थे, अब की बार हम 14 फंदे बुनेंगे। अब देखिए इस फंदे के दोनों साइड हमने पहले भी जाली डाली थी और अब भी हम इसी फंदे के दोनों साइड जाली डालेंगे। वूल अपनी साइड लाए, इस फंदे को सीधा बुना। फिर से वूल अपनी साइड लाए, अब 15 फंदे सीधे बुनेंगे। 15 फंदे इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे दो फंदे बढ़े, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा और एक फंदा यहां पर बढ़ा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। फिर से वूल अपनी साइड लाए, इस फंदे के दोनों साइड जाली डालेंगे। फिर से वूल अपनी साइड, अब 15 फंदे सीधे बुनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए वूल आगे लाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से वूल आगे लाएंगे और 14 फंदे सीधे बुनेंगे, 4, 13 और ये 14। देखिए यहां पर और यहां पर हमारा एक एक फंदा बढ़ा और बीच में यहां और यहां हमारे दो दो फंदे बढ़े।
उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनने के बाद फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए हर सीधी सिलाई पर हमारे 6-6 फंदे बढ़ेंगे, दो फंदे यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ पर। तो देखिए इसी तरह हमें इसको आगे बनाना है। ये जो तीन फंदे हैं, इन तीनों फंदों के दोनों साइड हर सीधी सिलाई पर एक एक जाली डालते हुए हम इसको आगे बनाते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना बुन लिया है। ये लेंथ आप थोड़ी बहुत कम या ज्यादा भी रख सकती हैं, जितना लंबा आप फ्रॉक बनाना चाहें उसके हिसाब से आप बुन लीजिए। इसके बाद यहां से हम 6 सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। 6 सिलाई आपको उल्टी उल्टी बुन लेनी है, सीधी सिलाइयां भी उल्टी और उल्टी सिलाइयां भी उल्टी। अब हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो देखिए फंदे बंद करने के लिए पहले दो फंदे सीधे बुनेंगे, अब इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से गिरा देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये आगे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये हमारे तीन फंदे बंद हो गए। इसी तरह से हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको पीछे का पार्ट बना लेना है। पीछे का पार्ट मैं आपको बुनकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो देखिए मैं आपको केवल ये बता देती हूँ कि ये जो पीछे के 50 फंदे हैं, ये इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो फिफ्टी फंदों को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे होंगे 25 और 25। अब ये जो 25 फंदे हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक फंदा बीच में आएगा और फिर यहां पर 12 फंदे। ये देखिए ये 25, ये 25, यहां पर ये 12, फिर एक फंदा बीच में, फिर ये 12। इसी तरह से ये 25 जब हम डिवाइड करेंगे तो 12, 1 और 12। अब यहां पर हमारा एक फंदा नहीं है क्योंकि ये फंदे हमारे इवन नंबर में हैं। तो हमें यहां पर कैसे बनाना है, देखिए एक फंदा हम यहां पर उठाएंगे बीच में। देखिए मैं आपको बता देती हूं, पीछे के पार्ट में देखिए ये हमारी उल्टी सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बुन लेंगे, पिंक कलर का वूल लगाएंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुन लेनी है। अब देखिए पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद ये 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये जो 13वां फंदा है इस पर हम जाली डालेंगे दोनों साइड। वूल को आगे लाए, इसको सीधा बुना, फिर से वूल को आगे लाए और 12 फंदे सीधे बुन लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए ये हमारे 25 फंदे हो गए। ये देखिए ये वाले 25 फंदे हमारे ये हो गए। अब यहां पर हमें एक जाली डालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं है तो ये फंदा हम ऐसे ले लेंगे सिलाई पर। वूल अपनी साइड लाए, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से वूल अपनी साइड लाएंगे और 12 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये जो फंदा है 13वां, इस पर हम दोनों साइड जाली डालेंगे, फिर से वूल अपनी साइड लाकर ये जो 12 फंदे बचे हैं ये सीधे बुन लेंगे। अब ये देखिए हमारी पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। तीन जगह हमने जाली डाली, पहले 12 फंदे सीधे बुने, 13वें फंदे पर दोनों साइड जाली डाली, फिर 12 फंदे सीधे बुने और यहां पर एक फंदा उठाकर उस फंदे के दोनों साइड जाली डाली।
फिर ये 12 फंदे सीधे बुने, यहाँ पर 13वें फंदे पर दोनों साइड जाली डाली, उसके बाद ये 12 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए हमारी तीन जगह जाली हो गई, उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी बुनी जाएंगी और इन्हीं तीनों फंदों पर हमें जाली डालते हुए इसको आगे बनाना है। और जैसे हमने ये आगे का पार्ट बनाया है वैसे ही हम पीछे का पार्ट भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद दोनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है, यहाँ पर देखिए इधर और इधर, तो ये हमारी जो फ्रॉक है वो बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।